प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता संभालने के बाद पहली बार 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो देश भर के 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। मोदी स्वयं सहायता समूह SHG के 30,000 से ज्यादा सदस्यों को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे, जिन्हें कृषि सखियों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है ताकि वो पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में काम कर सके और साथ ही किसानों को खेती में मदद कर सके। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बात करते हुए कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 2 कार्यकालों में कृषि हमेशा से ही प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता रही है। उन्होंने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी जी ने सबसे पहले पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करने से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए किसान सम्मान निधि जारी करने के लिए। साल 2019 में शुरू की गई पीएम किसान एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT पहल है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए की वार्षिक राशि प्राप्त होती है। चौहान ने कहा कि योजना की शुरुआत के बाद से केंद्र ने देश भर में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3,04,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की है। आज जो फैसला कैबिनेट ने लिया 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाने का, अब ये काम पहले से जारी है, इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कोई नया मंत्री आया तो नया ही करेगा। काम में निरंतरता जारी रहेगी। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से किसानों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर विभाग के साथ।